नाजरीन, मैं हूं फरवा वहीद और खुसूसी ट्रांसमिशन हम सेहत के हवाले से कर रहे हैं। कोरोना वायरस के जो वार हैं उससे इस वक्त लाहौर में तादाद की बात की जाए तो 58 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें तशखीस हो चुकी है, तस्दीक हो चुकी है कोरोना वायरस की। और आज एक हलाकत भी हुई है, 57 साल शख्स जिनकी मेयो अस्पताल में हलाकत हुई। और डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा जो सूबाई वजीर सेहत हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि ये पहली हलाकत लाहौर में हो चुकी है। अगर पंजाब की बात करें तो 265 अफराद जो हैं उनमें वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस का जो शिकार हैं लोग, उनकी ट्रीटमेंट कैसी है और हम इस मर्ज से, इस वायरस से कैसे बच सकते हैं, और भी बहुत सारे सवालात और आपकी लाइव कॉल्स बिलखसूस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि किसी सिम्टम का आप शिकार हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाइव कॉल करके हमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इसारुल हक साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन हैं लाहौर जनरल अस्पताल में। और इनसे जो है, सर बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ आए, आपसे गुफ्तगु जो है इस हवाले से होगी। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा ही बेसिक सवाल, वो ये है कि कोरोना का खौफ बहुत ज्यादा है। अब वो हर शख्स जो चाहता है कि वो कोरोना से महफूज रहे, और वो घर में भी है, और वो जाहिरी बात है कुछ लोग जो है, अब चूंकि आपको पता है कि काम जो है वो बंद है, वो बंद हो गए हैं, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है कि हर शख्स को जो है वो कोरोना की तस्दीक नहीं हो रही है। किसी को फ्लू है, क्योंकि हम उस मिड में मौजूद है जहां पर सीजन चेंज हो रहा है, और यहां पर जो है बहुत सारे लोग शिकार हैं खांसी के, गला खराब है, जुकाम है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी जवाब जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले कोरोना, ये कोरोना है क्या, इसने क्या किया हुआ है, आवाम को क्यों तंग किया हुआ है कोरोना? सबसे पहले तो फरवा बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने के लिए। सबसे अहम चीज, सबसे जो समझने की जरूरत है आवाम को भी और हम सबको भी, कि कोरोना वायरस एक आम फ्लू की तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जो खुद से ठीक होने वाला मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में खुद से ठीक होने वाले एक इन्फेक्शन है। इसको अगर हम इसके स्टेटिस्टिक्स में जाएं तो 100 अगर पेशेंट्स हों तो 80 लोग ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद मामूली फ्लू की अलामत के साथ ठीक हो जाते हैं। उसमें से जो बाकी 15 से 20 लोग हैं उनमें ये थोड़ा सा सख्त किस्म का इन्फेक्शन है, और लेस देन 5% लोगों में ये इस तरह का है कि आईसीयू केयर की बाज़ुकात इसको ज़रूरत पड़ती है। अब इस सूरत हाल में देखा जाए तो जो फियर ऑफ अननोन है वो बहुत है, और ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया के दौर में जब व्हाट्सएप और स्मार्टफोन ने जिंदगी को इतना ऑक्यूपाई कर दिया है कि हर कोई हर तरह की इन्फॉर्मेशन उससे फ्लो इन हो रही है, चाहे वो सही है चाहे गलत है। और उसका नतीजा ये है कि आम नज़ला जुकाम जो बदलते हुए मौसम के साथ, जो आपने अभी बात की है कि हो रहा है, अब हर एक को हर साल इस मौसम में थोड़ा बहुत गंदम की कटाई होने वाली है अगले महीने में शुरू, तो उसके मौसम में एलर्जीज बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत नज़ला, फ्लू, गले की खराश, खांसी, ये एक नॉर्मल सीजनल की बात कर रहे हैं, सीजनल फिनोमेना है। उसका इस बैकग्राउंड में जब कोई बंदा इसका शिकार होता है, जिसमें कि आजकल हर व्हाट्सएप मैसेज पे उसको कोई नताए जा रहे हैं, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले डेथ नंबर और डिजीज नंबर का बताया, तो आप देखें कि 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की, 12 करोड़ लोगों में से आप ये इमेजिन करें कि 250-300 पेशेंट्स हैं, तो ये कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि इटली का बड़ा मशहूर साहब, दुनिया इस वक्त इटली को जान रही है इस बैकग्राउंड में कि इटली में इतनी हलाकतें हुई, तो इटली जैसे दो मुल्क शामिल हों तो सिर्फ पंजाब बनता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि उसके हिसाब से हमारा नंबर इतना खौफनाक नहीं है, नंबर वन। दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा समझाने की बात भी है, समझने की बात भी है कि ये हर नज़ला जुकाम कोरोना नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी तरफ डॉक्टर साहब आना चाह रही थी कि हर नज़ला जुकाम जो है वो कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपने अब इटली का जिक्र किया है, इटली में भी हमने देखा है कि जब शुरू में, यानी मैं 3 हफ्तों पहले की बात करूं, तो वहां पर भी लोगों को शायद इतना इल्म नहीं था, वहां पर भी सिचुएशन जो है वो, अगर किसी को नॉर्मल नज़ला जुकाम भी था तो मुझे लगता है कि, मैंने तो मेडिसिन खैर पढ़ी नहीं है, आप इसे बेहतर बता सकते हैं, कि आपका इम्यून सिस्टम फिर भी इफेक्ट हो जाता है समहाउ। तो सवाल ये है कि अगर आपको आम नज़ला जुकाम है, और खुदा ना ख्वास्ता अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर ऑलरेडी कोई केस मौजूद होता है, अननोन अनआइडेंटिफाइड केस कोरोना का मौजूद होता है, तो क्या आपका इम्यून सिस्टम इतना काबिल है कि वो उसको, उसके अटैक को बर्दाश्त कर सके?
देखिए, हर चीज़ इटली से कंपेयर करने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इटली और हमारी एपिडेमियोलॉजी या पॉपुलेशन के जो जो स्पेक्ट्रम है या उसका जो पैटर्न है वो मुख्तलिफ है। इटली एक एजिंग पॉपुलेशन का मुल्क है, वहाँ एवरेज ओल्ड एज के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं और हमारी एक यंग पॉपुलेशन है। तो ये बेसिक फ़र्क है, नंबर एक। नंबर दो, ये फ़र्क है कि एक आम बंदे का, जवान बंदे का जो किसी भी सादा इन्फेक्शन को लड़ने की सलाहियत होती है जिस्म की, अपनी वो मजबूत होती है और उस स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के तहत वो खुद से ये सारे नज़ला जुकाम और इस तरह के इन्फेक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर कर रहा होता है। तो इस तरह क्योंकि हमारे यहाँ हेल्दी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे जो इटली से इसलिए भी कंपेरेबल नहीं है कि वहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लोग जिस तरह के घरों में रहते हैं वो डिफरेंट है, हमारा जो है खुले घरों का, तेज धूप का और इस तरह और के हैबिटेट का भी फर्क आ जा रही बात है, क्लाइमेट का भी। डॉक्टर साहब, एज बड़ी मैटर करती है, मतलब हमने थ्रू आउट जब से कोरोना शुरू हुआ है और ये जब से इस वायरस का आगाज हुआ है चीन से भी, हमने एज को बहुत देखा है। आप क्या समझते हैं कि किस एज ग्रुप पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है? बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ भी हैं कि शायद, पता नहीं, शायद बच्चों पे ये ज़्यादा असर करता है या नौजवानों पे ज़्यादा असर करता है। ये ज़रा मिथ्स क्लियर कर दें कि ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा। एज ग्रुप तो कोई भी इम्यून नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन कंपेरेटिवली जब नंबर्स की बात करते हैं तो ओल्ड एज, अबव द एज ऑफ 60-70 जो हैं वो लोग ज़्यादा इसके वल्नरेबल हैं, ज़्यादा उनको चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन थोड़ा सा उन्हें तंग करने की पोजीशन में है। इसमें बच्चों में आमतौर पे बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे तंग करती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये ओल्ड एज का स्पेसिफिक थोड़ा सा प्रिकॉशनरी कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों में ये बहुत बहुत आसानी के बच्चे इसको कोप कर रहे हैं और दुनिया में इसका नंबर बच्चों में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ओल्ड एज, खासतौर पर वो बुजुर्ग जिनके जिस्म में कुछ मामलात और भी चल रहे हैं, मेडिकल इलनेसेस चल रही हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, जिस तरह अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, जिस तरह हार्ट पेशेंट्स हैं या कोई और दवाइयां, जिस तरह किडनी पेशेंट्स हैं या डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, ये वो लोग हैं ओल्ड एज प्लस ये डिजीज कंडीशंस। तो ये सारा कुछ मिल के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है कोरोना वायरस के बैकग्राउंड। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ रहेगा। नाजरीन, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल जो हैं वो हमें मौसूल होंगी और जो भी आपका क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ये है, जो कि आप बात कर रहे हैं कि इसका कोई एज ग्रुप से स्पेसिफिकली तो ताल्लुक नहीं है, आपने बता दिया कि 60 से ऊपर जो अफराद हैं उसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। खुराक बड़ी मैटर करती है, चूँकि हम ओवरऑल देखें तो हमारा जो खाने पीने का स्टैंडर्ड है, यानी लाहौरियों की बात करें तो हम लोग जो हैं मुरगन गज़ाएँ खाते हैं, ज़्यादा घी वाली गज़ाएँ खाते हैं। आप खुराक को कैसे लेते हैं अगर ये वायरस है और लाहौर में चूँकि अब केसेस भी सामने आ गए हैं, तो हम अपनी खुराक से किस तरह इसको डिफीट कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल हेल्दी डाइट बहुत सारे मसाइल का हल है, ख़ासतौर पर ऐसा इन्फेक्शन या ऐसी बीमारी जिसका मेजर डिफेंस ही आपका ये हो किसी दवाई के बजाय आपका इम्यून सिस्टम हो, तो फिर इसमें बैलेंस डाइट की अहमियत और बढ़ जाती है। उसमें बैलेंस डाइट में देखें, इसमें यह है कि बाज़ बंदे, जिस तरह अभी एज की बात की तो उसमें एक चीज़ मैं इजाफा करता जाऊं कि बाज़ लोग 60 साल की उम्र में बहुत फिट हैं, हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज और उनका लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि वो सिर्फ एज की वजह से नहीं, वैसे अदरवाइज दे आर हैविंग ए गुड फिजिकल हेल्थ, लेकिन कुछ लोग 50 साल की उम्र में भी अगर मोटापे का शिकार हैं और टिपिकल जिस तरह की आपने बातें की लंबे अरसे तक वो इस तरह की खुराकें खा के ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट्स हो चुके हुए हैं, तो वो भी वल्नरेबल है। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन शामिल है, जिसमें विटामिन शामिल हैं, स्पेशली विटामिन सी, खासतौर पर इम्यून एनहेंसर है और इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करता है। और आजकल के मौसम में देखें जिस तरह हमारे मुल्क की एक खास औकात किनो है और वो उस पर विटामिन सी में बहुत रिच होता है, तो इस लिहाज से नॉर्मल हेल्दी डाइट नंबर वन अमरूद है, कीनू है, ये वो फल हैं जिनमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी है। तो ये चीज़ें लेने से प्लस खास तौर पे इस बैकग्राउंड में जबकि कोरोना की इन्वेजन हमारे रीजन में हुई हुई है, तो हमें थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को एनहेंसमेंट वाली गजाएं जिसमें हाई प्रोटीन डाइट और ईजिली डिजेस्टेबल डाइट और प्रोसेस्ड फूड के से ज़रा दूरी इख्तियार करने की, यानी वो जो टिपिकल लाहौरियों वाला खाना है वो जो अवॉइड करना पड़ेगा और हमें बड़ा चूजी होना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्लेट है वो बड़ी कलरफुल रहे।
मेरे साथ हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं जुनेद अजीज साहब लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जुनेद साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इसरार साहब आपका कोई सवाल है तो बताइएगा। जी मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया कि ये जो गुस्सा जा रहा कोरोना का, तो इसके दौरान ये जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, जो कि बात की थी ना फिर ट्रंप ने, तो उसके सवाल के मुताबिक लोग बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आ रही। कोई कह रहे हैं इसको दवाई को इस्तेमाल करें, कोई कह रहे हैं इसको इस्तेमाल ना करें, इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जुनेद अजीज की आवाज सर, वो अमेरिका और चीन में जो मेडिसिन का कहा है उसे हवाले से उनका क्वेश्चन है। बेसिकली जो मुझे थोड़ी सी आवाज की डिस्टॉर्शन है, ठीक है चले, हम उसे टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे दूर किया जाए। उन्होंने बेसिकली सवाल ये किया जो अमेरिका का रोल क्या है। एग्जैक्टली इसमें अभी तक FDA जो हमारा एक मुस्लिम अदारा है जिसके साथ हम ज़्यादातर हम जो चीज़ें कोड कर रहे होते हैं कि वहाँ से ट्रीटमेंट की अप्रूवल आई है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक रिसर्च बेस है और एविडेंस है। तो वहाँ से अभी तक ट्रीटमेंट वाइज तो कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कुछ फ्रेंच ग्रुप्स ने और कुछ दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों को टेस्ट किया है। क्योंकि ये देखिए, ये जो वायरस है ये एक क्लास, एक फैमिली से बिलोंग करता है। उस फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स थे जो जिनसे पुराना एनकाउंटर रहा हुआ है, उसकी बैकग्राउंड में कुछ दवाइयाँ पिछले एक्सपीरियंसिस की बेस पर उन्होंने रीटेस्ट की हैं। रीटेस्ट से मुराद ये कि वो दवाइयाँ दोबारा से आजमा के देखें कि इसमें भी वो कारगर हैं कि नहीं हैं। तो उसमें से एक क्लोरोक्विन भी है। क्लोरोक्विन थोड़ी सी लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कुछ स्टडीज में, कि फ्रेंच ग्रुप ने खास तौर पे, और उसमें डॉक्टर साहब मैं कतः कलामी की माफी चाहूंगी। एक और कॉलर ने मैं ज्वाइन किया, मिसेज अबू बकर ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अबू बकर, मुझे बताएं कि क्या सवाल है आपका कोरोना वायरस से मुतल्लिक, और क्या आप कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो कर रही हैं? डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। आप लोगों ने अभी जिक्र किया कि ये मौसम मिड में हम खड़े हैं, तो अब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जितनी भी हम एहतियात कर रहे हैं और लॉकडाउन को पूरा फॉलो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी को ये स्नीजिंग और खांसी वगैरह हो जाती है, तो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये नॉर्मल सीजनल मामला है या फिर ये कोरोना अटैक हो सकता है? ठीक है डॉक्टर साहब, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में पूछ रही थी कि हम फॉलो तो कर रहे हैं, और मौसम के बारे में उन्होंने कहा कि आपने जिक्र किया है, तो सवाल मुझे पूरी तरह से आवाज़ नहीं आई, मेरा इसमें शायद प्रॉब्लम है, लेकिन जो आप बता रही हैं प्रिकॉशंस वही स्टैंडर्डाइज प्रिकॉशंस हैं जी, जो काफ़ी दिनों से हम सारे सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोप वाटर के साथ, सादा पानी और साबुन के साथ हाथ धोना, जितनी दफ़ा ज़्यादा धोएंगे उतनी प्रिकॉशनरी इंडेक्स हमारा बढ़ता जाएगा। दूसरे नंबर पे गैर ज़रूरी तौर पे चेहरे को, नाक को और आंखों को हाथ ना लगाएं। छींकते वक्त थोड़ा सा ये है कि जिस तरह ये मैं इस तरह कर रहा हूँ कि ये कोनी के और यहाँ पे छींके बजाय इसके कि हाथों में छींके, अगर छींक आ रही है कोई पेशेंट ऐसा हो जो आपको लग रहा हो या जो आपकी सराउंडिंग में ऐसा हो जो छींक रहा हो, नज़ला जुकाम और अपर रेस्पिरेटरी अटैक, तो उसको उसकी खुद से जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को दूसरे क्राउड से सेपरेट कर ले, और अगर किसी क्राउड में आप आइडेंटिफाई कर सकें किसी ABC बंदे को कि वो इस तरह के फ्लू का शिकार है, बुखार का शिकार है, छींके मार रहा है या उसको नाक बह रहा है, तो उसकी खांसी आ रही है, तो उससे थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें। और उसका असूल ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स जो एसिम्प्टोमेटिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें अभी पूरी अलामत नहीं होती, वो भी कैरी कर रहे होते हैं इन्फेक्शन को और वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्डाइज प्रिकॉशन दुनिया में यही है कि आप 1 मीटर के फासले पे किसी को भी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको आजकल प्रमोट किया जा रहा है, 1 मीटर के फासले पे किसी भी बंदे के पास, चाहे वो नॉर्मल छींक रहा है, उसकी कोई नज़ला जुकाम की अलामत हैं या नहीं है, उसे 1 मीटर के फासले पे रहें, हाथ ना मिलाएं, उसके साथ बगलगीर ना हो, और इसके साथ गैर ज़रूरी तौर पर पुरहजूम जगहों पर ना जाएँ जिस तरह के ओवर क्राउडेड प्लेसेस हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह खुशी गमी के मामलात हैं, जिस तरह गैदरिंग्स जो होती हैं, एग्जैक्टली तो उसे अवॉइड कर। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंस की बात की है, अब ये लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं नाजरीन, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी कि अगर आपको इन अलामात में से जो करोना वायरस की है, यानी नज़ला ज़ुकाम बुखार, अगर ऐसा कोई कुछ होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्वारंटीन कैसे कर सकते हैं खुद को, इस पे करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे
वेलकम बैक नाजरीन, शो में जो है वो कॉल्स का भी सिलसिला जारी है और टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कॉम जो है वो परेशान है और परेशानी होनी भी चाहिए क्योंकि ये इट्स गेटिंग सीरियस वेयर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मिसेस समन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिसेस समन, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर इसरारुल हक साहब मौजूद है हमारे साथ। सलाम, मेरा सवाल है डॉक्टर जी से कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोरोना हो गया? जैसे हमने किसी को टच किया और हमें कोरोना हो गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोरोना हो चुका है? वो फौरन अपने सिम्टम्स बताता है या कुछ देर बाद? वो क्या अलामत होती है, उसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, आपका सवाल जो है वो ले लिया है डॉक्टर साहब। सवाल जो है ये मैं भी करना चाह रही थी, क्या आपको रैपिडली मालूम हो जाता है कि आपके फ्लू से, आपकी ड्राई कफ से कि नाउ यू आर अमंग दोज इफेक्टीज, या फिर आपको कोई दो चार दिन बाद ये रियलाइज होता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद योर हेल्थ? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसकी अलामत हैं, अलामत और फिर कुछ उसके लेबॉरटरी टेस्ट है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे प्रोमिनेंट जो 100 अगर पेशेंट्स हैं तो 80% लोगों में, देखिए एक चीज़ याद रखें, सारी अलामतें सारे मरीजों में नहीं आती। अगर हम एक बीमारी का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें अगर 10 अलामत हैं तो सारी बीमारी, सारी अलामत सारे मरीजों में नहीं आती। लेकिन फिर हम परसेंटेज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अलामत कौन सी किस मरीज में है, तो इसको जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो 80% लोग 100 में से ऐसे हैं जिनको ड्राई कॉफ ज़रूर होती है, ड्राई कॉफ, थ्रोट इरीटेशन, गले में खराश और खांसी, और दूसरा प्रोमिनेंट फीचर इसका बुखार है जी। तो बुखार, गले में खराश और खांसी, जिसमें से खांसी सबसे प्रोमिनेंट है, उसके दूसरे नंबर पे बुखार है जो अराउंड 50% लोगों में होता है, और उसके साथ शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ, अलामत जब शुरू होती हैं तो उसके साथ फिर जब ये थोड़ा सा पेचीदा सूरत इख्तियार करता है तो फिर उसके साथ बलगम भी आने लग जाती है और सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है, और सांस लेने की दुश्वारी से मुराद ये है कि फिर बंदे की ऑक्सीजन पूरे जिस्म में नहीं पहुंचती और उसका एक के बाद एक अज़ा मुतासर होने लग जाता है। तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट एक सादा सा टेस्ट है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। स्वैब लेते हैं और उसको PCR का टेस्ट, उसको आसान जबान में कहते हैं, और उसके साथ उसकी हम एक मुहर लगाते हैं उसके ऊपर कि ये मरीज कोरोना का है कि नहीं। सबसे पहले अलामत हैं, उसके बाद लेबॉरटरी टेस्ट हैं, और उसके बाद कोई सपोर्टिव टेस्ट है जिस तरह कंप्लीट ब्लड काउंट्स हैं या और कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट हैं जिसमें लिवर एंजाइम्स हैं, किडनी टेस्ट हैं, और चेस्ट एक्सरे है, CT स्कैन चेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर और उसकी डिजीज स्टेज के हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो इब्तदाई तौर पे अलामत हैं, और सबसे अहम चीज़ कॉन्टैक्ट है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है जो अफगानिस्तान से, चाइना से, ईरान से, इटली से, और यहाँ आजकल उम्रे के कुछ लोग, पिछले दिनों जो बहुत सारे लोग आए हैं उनके, या किसी भी गैर मुल्की ट्रैवल की हिस्ट्री अगर हो, या किसी ऐसे बंदे के साथ राबता हो जो ट्रैवल करके रिसेंटली मुल्क में आया हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा भी सवाल है, लेकिन यहाँ पर हम एक कॉलर को शामिल करेंगे। गुलाब मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कहाँ से बात कर रहे हैं गुलाब मुर्तजा साहब आप, और क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मेरा नाम गुलाब मुर्तजा, मेरा सवाल ये है ये जो नजला, आम नजला होता है, ये कोरोना वायरस है या फिर हम जाते हैं ना बाजारों में देखते हैं दूसरों को और किसी को भाई ये उन्होंने क्या, एहतियात तो लाजमी है ना, एहतियात तो सबसे ज्यादा अहम एहतियात है, लेकिन ये नजला जो होता है ये आम होता है कि या कोई ये कोई दर्द होता है, सर में दर्द है, बुखार होता है, कोई वजूहत या परेशानी हमें बता दें, मेहरबानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल जो है मैं रिपीट कर देती हूँ कि वो पूछना ये चाह रहे थे कि जो गला खराब है या जुकाम है, जैसे आपने बताया रनी नोज, या क्या इसकी ये अलामत है या समथिंग? आमतौर पे जी ड्राई कफ होती है और बुखार होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ये बेसिक, और बुखार के साथ अगर ये अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स हो तो यहीं से वापसी हो जाती है। बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई सादा पैरासीटामोल, और अगर कोई नेजल कंजेशन हो रही है, सांस में दुश्वारी हो, तो थोड़ी सी स्टीम या एंटी एलर्जी मेडिसिन
और कफ हो रही है तो कफ सिरप, अदरवाइज मेजर इस स्टेज पे तो किसी दवाई की, किसी बहुत ट्रीटमेंट की, बहुत टेस्टों की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को शक पड़ गया कि मुझे हो रहा है या मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, तो सबसे बेहतर यह है कि वो अपने आप को दूसरों से अलहदा कर ले, अपने घर में, अपने कमरे में, और अपने दूसरे करीबी रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश करे कि ना कि उसके सारे अजीज रिश्तेदार करीबी लोग भी उसके साथ मुतासर हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि एक शख्स जो मुतासर शख्स है, अगर उसे ये मालूम हो जाता है समहाउ कि उसके अंदर सिम्टम्स मौजूद हैं, तो वो कितने लोगों को मैक्सिमम मिनिमम मुतासर कर सकता है? देखिए ये बड़ा वेरिएबल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। इसके जो एवरेज स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये फ्लू जो है हमारा, इसका ये जो कोरोना वायरस है इसका 2.7 एग्जैक्ट नंबर है। आपके सवाल का जो मुख्त से जामे जवाब है वो ये है कि 2.7% लोगों को ऑन एन एवरेज एक बंदा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। लेकिन मसला वही बात है कि वो कितना सोशल है, कितना एजुकेटेड है, इस लिहाज से, तलीम के लिहाज से, डिग्रियों के हिसाब से नहीं, वैसे इस बीमारी के हवाले से जो हमारे आगाही मुहिम है उसके हवाले से कि वो अपने आप को कितना जल्दी आइसोलेट करता है। कुछ ऐसी मिसालें भी आपने देखी होंगी कि कुछ लोगों ने वापस आके मुल्क से बाहर आके पार्टी की है, पार्टी करके आपने सुने होंगे किसे कहानी है कि पार्टी की है और उसके पार्टी, उस पार्टी के नतीजे में वो लोकल केसेस भी जो है वो सामने आए। डॉक्टर साहब कॉलर ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद यूनस साहब हैं। मोहम्मद यूनस साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या सवाल है डॉक्टर साहब से और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर जो कर रहे हैं इसमें जो पेशेंट है घरों में बैठे हुए हैं, जब से ये सारा खुल रहे हैं मजीद नफ्सियात में मुबला हो रहे हैं, उनकी रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। जब टीवी के जितने चैनल हैं सबसे सिर्फ और सिर्फ यही स्टोरीज चल रही है, कहीं पर भी कोई भी एक्सेशन की गुफ्तगू नहीं, वो घर बैठे वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपने आप को एंटरटेन करें। ठीक है मोहम्मद यूनुस साहब, मैं चाहूंगी आप सवाल को एक दफा फिर रिपीट कर दें। मुझे ये मालूम हुआ है कि आप कह रहे हैं कि हर चैनल जो है वो यही चला रहा है, कोरोना वायरस के बारे में गुफ्तगू हो रही है। जाहिरी बात है इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, तो आप बताएंगे कि आपका सवाल एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। एक ही बात कर रही है, इतने मर गए, इतनों को कोरोना वायरस हो गया, हो रहे हैं ना, तो मैं जवाब देता हूँ, पेशेंट होते जा रहे हैं। इसमें यूनुस साहब का बहुत अच्छा सवाल है, वो एहतियाती तदाबीर के बारे में डॉक्टर साहब मेरा ख्याल से पूछना चाह रहे हैं। यूनुस साहब पूछना चाह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन के बाद सारे लोग घरों पे बैठे हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, काम से दफ्तरी मामलात भी खत्म हो गए हैं, और जब चैनल एंटरटेनमेंट के लिए हम लगाते हैं तो उसमें भी ये सारी की सारी कोरोना और उससे एसोसिएटेड चीज़ें ही इस वक्त जो हैं वो नजर आ रही होती हैं, जिससे इतना फियर और इतना खौफ फैल गया माशरे में, जो मुझे समझ आई है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका तदादर क्या है। उसमें दो चीज़ें हैं जी, एक तो ये है कि इस टाइम को जो यहाँ पे आपको मिला है ये आपकी बेहतरी के लिए, ये इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस लॉकडाउन का या इस सारे प्रोसेस का, उसको समझने की कोशिश करें कि इस एक ऐसा इन्फेक्शन जिसका कोई इलाज ऐसा नहीं है जिसके साथ हम दवाइयां देके इसको खत्म कर सकें, एक ऐसा इन्फेक्शन जो दूसरे को लग सकता है, और इसकी बेहतरीन प्रिवेंशन यही है कि आप आइसोलेट रहें, बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं, और उसका बेहतरीन जगह जो है वो आइसोलेट करने की, वो उस बंदे का अपनी एक नोन एनवायरनमेंट है जो उसका घर है, उसका कमरा है। उसके दौरान अगर आप देखें, एक मैं आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि एक बंदा जो बहुत बिजी होता है उसको बहुत ज़्यादा घर में रहने का, और दो हफ्ते घर में रहने के लिए उसको एक एक्टिविटी की तलाश हो जाती है, तो उस पर करने वाले आप गौर करें तो बहुत सारे काम है, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई ऐसा सिलसिला करें जो वो काम जो आपको वेकेशन पिछले अर्से से नहीं मिली थी, तो वो किताब पढ़ें। आप देखिए इस बींग ए मुस्लिम, बींग ए इस्लामिक कंट्री, आप इससे रिलेटेड जो इस्लामिक लिटरेचर है वो पढ़ें कि इसमें हमें प्रिवेंशन का जो इस्लामिक एस्पेक्ट है वो क्या कहते हैं। अगर मेडिकल एस्पेक्ट से तंग आ गए मीडिया में सुन सुन के, तो आप कहीं से वहाँ से गाइडेंस हासिल करें। अगर वो आपका आपका शौक इस वक्त नहीं उसमें हो रहा, तो आप उस टाइम को अपनी कुछ अपनी हेल्दी एक्टिविटीज को अपने आप स्पेंड करें, टाइम जिससे जो भी आप अपनी फैमिली के साथ एक्सटेंड करें। ठीक है, मैं इसमें कुछ ऐड करते चाहूंगी डॉक्टर साहब। उनके सवाल का एक हिस्सा था कि मीडिया पे ही चलता है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग अ मीडिया पर्सन या जो चैनल जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे ये वाकई बहुत बड़ा इशू है और इससे निमटने की हमें अशद जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि शायद ये वक्त है जिसे हमें सीरियस लेना है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में भी लोग, मैंने देखा है,
प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, लोग बाहर निकले हुए थे और यूं लग रहा था जैसे पिकनिक मना रहे हैं। यानी आपके पार्क्स इसलिए नहीं आए कि आपके बच्चों को छुट्टियां हुई हैं स्कूल से तो आप पार्क्स लेके चले जाएं या सड़कों पे फिरें, छुट्टियां इसीलिए हैं, ये लम्हा फिक्रिया है कि आप अपने आप को खुद से अलग रखें, क्वारंटीन करें, आइसोलेशन में जाएं ताकि अपने आप को बचा सकें। एक कॉलर है मंजूर अहमद शहरी, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मंजूर साहब अस्सलामु अलैकुम, आप इस वक्त लाइव हैं, क्या सवाल है डॉक्टर साहब से आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, थोड़ी सी प्रॉब्लम से आ रही थी जैसे मैंने भी सुना है डॉक्टर साहब को, ठीक है मंजूर साहब थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज जो है वो बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी मैं डॉक्टर साहब से साजिश करना चाह रहा था, पिछले 3 दिन से गले में खराश तो हल्की उसकी खांसी और दूध से क्या जिस समय बड़ी दुखी फील हो रही थी, ये सिम्टम्स क्या इसी मसले की मतलब वैसे नॉर्मली है? नहीं, 3 महीने की खांसी, 3 महीने की गले की खराश, डेफिनेटली ये मसला नहीं है और इसमें कोई ना कोई और रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है। बाज़ुकात सीजनल एलर्जी जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि इस मौसम में बाज़ुकात सीजनल एलर्जीज होती हैं, या कोई और फैक्टर आप ढूंढें कि कोई और चीज़ इसमें जिसमें कोई एलर्जिक कंपोनेंट आ रहा है आपकी इन्वायरमेंट में 3 महीने से जो ऐड हुआ है, कोई आपने पेट्स तो नहीं रख लिए, कोई कारपेट ऐसा तो नहीं है जो आपकी वर्क प्लेस पे, कोई ऐसा पेंट या ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जिससे आपको एलर्जी फील हो रही है। और ये अगर कुछ नहीं पता चल रहा, खुद से आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा। हर खांसी हर गले की खराश, मेरा बार बार मैसेज यही है कि कोरोना नहीं है, उस फियर से बाहर आएँ और अपने अपने इम्यून सिस्टम को इस काबिल करें कि रूटीन के वो जो नज़ला जुकाम है उसको वो खुद से डील कर सके, और उसके लिए गैर ज़रूरी तफक्कुरात, गैर ज़रूरी परेशानियाँ इससे भी बचें। ये भी इम्यून सिस्टम को तंग करने की चीज़ें हैं जिसमें यकीन करें, वो जो अभी उसने यूनस साहब ने बात कर रहे थे कि घर में बैठ के क्या करें, तो उसमें 2-3 चीज़ें मैंने ऐसे भी देखी हैं जो ज़हनी तौर पर लोग इतने अपसेट हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तो फियर ऑफ अननोन घुटन हो रही है, हमें तो ऐसे लगता है कि हमने मर जाना है अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा भी इसमें एक सवाल है क्योंकि अब चूंकि हम आइसोलेशन में जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जारी मतलब बहुत सारे शहरी जो है वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें निकलना भी नहीं चाहिए। एक होती है विल पावर, अब हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ से भी आती हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर किसी शख्स को इनिशियल अलामात जाहिर हो जाती हैं, सिम्टम्स मिल जाते हैं, तो क्या अगर उसका इम्यून सिस्टम इस काबिल है तो क्या वो किसी मेडिकेशन के बगैर आइसोलेशन में जाके हेल्दी खाना खा के अपने आप को रिकवर कर सकता है, ठीक कर सकता है, या फिर उसके लिए उसको बाकायदा तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट की अस्पताल जाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर एक बंदा है उसका कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री भी है और उसको अलामात भी आ रही हैं, तो वो सेल्फ आइसोलेशन पहला स्टेप है ताकि वो दूसरों को ना फैलाए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अपनी इन सिम्टमटोलॉजी को, अपनी अलामात को उस पर गौर व फिक्र करे कि इनमें से कोई वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे। वार्निंग साइंस से मुराद ये है कि थूक में से, गले में से खून आना, फिर उसके बाद तेज़ बुखार का रहना, बलगम का बहुत ज़्यादा आते रहना, या सांस में बहुत दुश्वारी होना, या उसके जिस्म में जो ऑक्सीजन की मकदार है वो कम हो जाना, या तेज़ बुखार के साथ कुछ और मसाइल जिस तरह किडनी फंक्शन ख़राब होना, या फिर अगेन वही बात आ जाती है कि जो उनके पुराने पैरामीटर्स हैं अगर वो हेल्दी हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये चीज़ें होती ही नहीं हैं, और ख़ुद से वो सादा अलामती इलाज के साथ वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका इम्यून सिस्टम या ओल्ड एज या उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन जिसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके किडनी के इश्यूज़ की वजह से उसका जिस्म इस काबिल नहीं है कि वो इस वायरस को कोप कर सके, तो वो फिर मेडिकल हेल्प ले, डायग्नोज करवाए, अर्ली आइडेंटिफाई करवा के उसको प्रोफेशनल केयर के तले आ जाए, जिसको आइसोलेशन रूम्स कहते हैं। आइसोलेशन रूम्स बेसिकली हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशनल एरियाज हैं जो इस तरह के डायग्नोज केसेस के लिए रखे गए हैं ताकि उनको देख सकें कि कोई वार्निंग साइन आए तो उनको ICU में शिफ्ट किया जा सके, यानी स्टेप अप किया जा सके उनकी केयर को। तो ये ठीक है डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे सवाल हैं, कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, जारी बात है हम टाइम को देख रहे हैं और जो हमें लगता है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसे ले भी रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस पर, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीन नाजरीन, ये स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही है सेहत के हवाले से, कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से। डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी डिस्कशंस जो हैं वो इस पे हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे, ठहरेंगे और खिराज तहसीन पेश करेंगे उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को जो इस वक्त दिन रात हमारी सेहत के लिए अस्पतालों में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यकीनन आप एक डॉक्टर हैं और मैंने आप बड़ा ही कोई जज्बाती सवाल जो है वो कर दिया है, क्योंकि जारी बात आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, जस्ट लाइक अगर मुझसे कोई सहाफत के बारे में सवाल करे, डॉक्टर्स का किरदार कितना? देखिए, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट और इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ जिसपे मेरे पास जो अमला है स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट्स, वो तो खैर छुट्टियों पर चले गए, हाउस ऑफिसर से लेकर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर रजिस्ट्रार और यकीन करने प्रोफेसर तक, जो सारी टीम है वो अनथक मेहनत कर रही है। ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो एक ऐसे एनिमी के खिलाफ लड़े हैं जिसमें उनकी जान जाने का खतरा, दुनिया में देखें डेवलप वर्ल्ड में सारे इक्विपमेंट के साथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने के बावजूद अराउंड 15-20% मेडिकल मेडिक्स जो हैं उनकी डेथ हुई है और उसका शिकार हुए हैं। तो ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जिसको कंपेयर करने के लिए, जिसको मुकाबला करने के लिए सारी हमारी मेडिकल कम्युनिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैरामेडिक्स टू डॉक्टर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन टू एवरीबडी इज ट्राइंग वेरी हार्ड। इसमें हमें दुआओं की जरूरत है, हमें वो जब प्रमोट करते हैं ना जी मीडिया के या सोशल मीडिया के लोग, तो इस चीज़ को जरूर देखें कि सपोर्ट की जरूरत है कि वहाँ पे जब किसी एक डॉक्टर की तरफ से मुझे ये कॉल नहीं आई बींग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के जी हम हमारे बच्चे को रिलीव कर दें। पेरेंट्स आके जरूर जरूर पूछ रहे होते हैं कि खतरात कितने हैं, ये है वो है, क्योंकि जाहिर है उनके जवान बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहां पे सवाल ऐड करना चाहूंगी, आम शख्स को तो इसका खतरा है, क्या डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी हैं, जो नर्सेज जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, क्या उन्हें भी उतना ही खतरा है? डॉक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आप 100 से तो उससे ज्यादा खतरा है आम पब्लिक की निस्बत, क्योंकि वो उनका कांटेक्ट पेशेंट के साथ हो सकता है। इस पूरी एपिसोड में आपको इस स्टूडियो में बैठा हुआ एक भी पेशेंट ना एनकाउंटर हो रहा हो, लेकिन हमारा हर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट इस तरह की है जिसमें हम उनको देखभाल करते हुए लामहाला हमारा सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ है। तो हम वहाँ पे फ्रंट लाइन पे हमारे जो डॉक्टर्स नर्सेज लड़े हैं उनको बहुत सारी दवाओं की, बहुत सारी सपोर्ट की जरूरत है। हम कुछ नहीं चाह रहे, कोई एक्स्ट्रा मुआवजा, कोई इंक्रीमेंट कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ इज्जत और दुआएं चाहते हैं। बिल्कुल, और दुआएं भी हैं डॉक्टर साहब, इज्जत तो यकीनन इस शोबे की पहले भी थी और अब और बढ़ गई है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं ये यूं ही काम करते रहें, और हम हमारी सपोर्ट नाज़रीन बड़ी ज़रूरी है कि हम इनको रिस्पेक्ट दें, इनको इज्जत दें और इनके साथ मोहब्बत जो है वो रखें और इनको यूं ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। और आप प्लीज़ घरों में रहें, आप घरों में रहेंगे तो इनकी जो काम है उसमें इजाफा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बड़ा अहम डॉक्टर साहब, चूँकि लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या खाएँ, क्या करें जिससे अगर चांसेस हैं भी तो हम उसे रिकवर कर लें और कोरोना से बच सकें? देखिए, खास पर्टिकुलर फूड कोई ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ मेडिसिन का दर्जा रखता हो। तो इम्यून सिस्टम एनहेंसर जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी सारे सिस्टम को, आपके जिस्म को, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ावा देने का बायस हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इजीली डाइजेस्टेबल फूड लें जो आपके जिस्म को, क्योंकि लॉकडाउन है, घर में रहना है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, तो इजीली डाइजेस्टेबल हो ताकि कोई ऐसा एडिशनल इन्फेक्शन ना आपके जिस्म में जाए, जिस तरह आज गंदा पानी पीने से, गंदी गजा लेने से, कोई गैर जरूरी जूस पीने से, तो उस तरह का कोई टाइफाइड इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या कोई पीला यरकान या कोई और जरासीम चला जाएगा, कुव्वत मुदाफ़त एकदम से डाउन जाएगी, दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा पड़ेगा। इसलिए एक क्लीन फूड लें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी वाटर लें। बिल्कुल, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस चूंकि हम प्रोग्राम की एंडिंग एक्स्ट्रो पे हैं, तो नाज़रीन जाते हुए मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर्स भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम तर पैरामेडिकल स्टाफ भी कर रहा है, अस्पताल इस वक्त जो है वहां पर भी परेशानी है, लेकिन आप कोरोना से बचिए, घरों में रहिए, आइसोलेशन में रहिए, अपनी अच्छी खुराक रखें और कहिए कि कोरोना नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। तो इजाजत दीजिए फरवा वहीद को, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।